नमस्कार। आज हम बचे हुए रोटी के रोटी सैंडविच बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसे बनाने के लिए थोड़ा टमाटो सॉस, उबले आलू, एक प्याज, पनीर भुने हुए, कुछ टुकड़े थोड़ा धनिया पत्ती, चाट मसाला, अगर आप तीखा खाते हैं तो चिल्ली फ्लेक्स भी ले लें, इन सबको ले लेंगे। प्याज बारीक काटेंगे, पनीर भी छोटा छोटा पीस काट लेंगे, धनिया पत्ती काटेंगे, आलू को मैश कर लेंगे, बासी रोटी ले लेंगे, थोड़ा बटर भी ले लेंगे। इस तरह से रोटी में कट लगाएंगे, पूरे रोटी पर टमाटो सॉस लगा देंगे, एक चौथाई हिस्से में उबले आलू जो मैश करके रखे थे वो फैलाएंगे, कटे हुए धनिया पत्ती, पनीर के टुकड़े, कटे हुए प्याज, इन सबको फैला देंगे। रोटी के एक हिस्से में इन सबको अच्छी तरह से रख लेंगे। चाट मसाला डालेंगे, चिली फ्लेक्स अगर आप चाहते हैं तीखा तो इन सबको स्प्रिंकल कर लेंगे। रोटी को इस तरह से फोल्ड करेंगे, ट्रायंगुलर शेप में रोटी तैयार हो जाएगा। अब तवा गरम करेंगे, बटर लगाएंगे, फोल्ड किया हुआ रोटी को डालेंगे तवे पर, थोड़ी देर पकने के बाद उलट लेंगे, उलट पलट कर अच्छा सेक लेंगे। इसी तरह से और भी रोटियों को हम तैयार कर लेंगे। मसाले जो भी हमने डाले हैं वो आप अपने पसंद के डाल सकते हैं। और इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में रोटी के सैंडविच बनकर रेडी हो जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इसको आप सॉस के साथ, चटनी के साथ या दही के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बचे हुए रोटी के सैंडविच बनकर रेडी हो जाएंगे। इस रोटी सैंडविच को आप बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक।